से कम एक दो पेज का एक अपना मैनिफेस्टो जारी करें कि भारत जोड़ने के लिए क्या क्या नीतियां उनके पास है, वो क्या चाहते हैं, क्या उनका विजन है। तमाशा का रूप इस यात्रा ने लिया है, मैं कहूँगा ये सर्दी का तमाशा है। इस समय दिल्ली ना कभी किसी ने जीती है ना कभी जीती जाएगी। दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत के 140 करोड़ लोगों की आत्मा दिल्ली में बसती है, उसको जीतने का काम बहुत बड़ा है, हुड्डा तो बहुत छोटे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का सप्ताह मनाया जा रहा है, जयंती सप्ताह। मोहन लाल बडोली जी हैं विधायक बडोली साहब, इतनी महान शख्सियत जिनका नाम जो है वो पूरे विश्व में गूंजा है, और आज इन्हीं के नाम पे आज सम्मान समारोह और एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और 12 जनवरी को हम मनाते हैं। जो हिंदुस्तान जिस समय गुलामी के दौर में था, उस समय पूरे भारत की एक जो पहचान पूरी दुनिया में बताने का काम किया कि भारतवर्ष ऐसा महान देश है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, और एक परिवार की तरह पूरी दुनिया में जाकर जो संदेश हिंदुस्तान का दिया था, और जो भगवत गीता का जिस प्रकार से वहाँ वर्णन उन्होंने किया था, पूरे हिंदुस्तान के बारे में जो बात रखी थी, और ये बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, और आज पूरा देश उनकी कही हुई बातों का अनुसरण करता है। और आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर उनके बताए हुए शब्दों का वर्णन भी करते हैं, उस बात को भी रखते हैं, और आज भारत विकास परिषद की तरफ से ये एक बहुत बड़ा आयोजन मैं कहूँगा। अभी मैंने जानकारी ली थी 500 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 1000 का टारगेट है, और ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है वो 1000 के टारगेट को भी पूरा करेंगे। और आज जो सबसे बड़ा दान है वो ब्लड डोनेशन का है, और दूसरे के जीवन को बचाने का जो सबसे बड़ा काम इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। पूरे आयोजनकर्ताओं का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो 2023 के वर्ष में आज इन्होंने ये काम को बहुत बड़ा आयोजन 1000 की संख्या, बहुत बड़ी बात थी। इतनी कड़ाके की ठंड में लोग वैसे ही घर से बाहर नहीं निकलते, और इतना बड़ा टारगेट जो भारतीय विकास परिषद ने लिया है, क्या कहना चाहोगे? विधायक जी ने तो ये चीज़ें कह दी हैं कि इतना बड़ा टारगेट है। भारत विकास परिषद जिस प्रकार का नाम है उसी प्रकार का काम है, और भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद जी के आगे रख के ये प्रोग्राम आयोजन करती है। ये संघ की एक बहुत बड़ी संस्था है, और विचारों से जो हिंदुस्तान का जो असली विचार है वो हमारे देश का युवा है, और आज जो युवाओं के अंदर जो उनके प्रेरणा का स्रोत है वो स्वामी विवेकानंद जी हैं, और सर्दी उसके आगे कुछ भी मायने नहीं रखती, सर्दी स्वामी विवेकानंद के नाम से दूर हो जाती है। बडोली साहब, ये तो बातें थी, आज शिविर है, रक्तदान शिविर है, लेकिन राजनीति की बात ना ऐसा हो नहीं सकता। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और राहुल गांधी हर बार ये कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये जो शब्द उन्होंने कहा है, मैं एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करूँगा कि नफरत का बाजार कहाँ है, उनको नफरत कहाँ नजर आती है, ये हर आदमी के सोचने का नजरिया होता है। आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो कहीं नफरत नजर आती नहीं है, इन लोगों को कहीं से नफरत नजर आ रही है, तो वो स्पष्टीकरण रखें और अब एक विजन रखें। मैं ये कहूँगा आज वो 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं, हरियाणा में उनकी यात्रा चालू है, और 2023 का वर्ष है। कम से कम एक दो पेज का एक अपना मैनिफेस्टो जारी करें कि भारत जोड़ने के लिए क्या क्या नीतियां उनके पास हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या उनका विजन है। आज तक इस यात्रा को चलते इतने दिन हो गए, बस एक दो तीन नारे हम सुनने को मिलते हैं, और वो नारे उन्होंने बना रखे हैं और जोश भरते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जोड़ने की जब बात आएगी, आपके टीवी के माध्यम से भी आएगी, अखबारों के माध्यम से भी आएगी, आज जनता जिस प्रकार से एक तमाशा का रूप इस यात्रा ने लिया है, मैं कहूँगा ये सर्दी का तमाशा है, इससे बड़ा कुछ नहीं। क्या बात है। एक बात थी पानीपत के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि आज पानीपत की हमने वो तीसरी लड़ाई भी जीत ली है, दिल्ली में अब हमारा कब्जा होने वाला है। कितनी बड़ी झूठ बोलने का स्टंट है कि कब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, आज कौन सी लड़ाई हो रही है। तो ये सारे जुमले इन्होंने एक सर्दी के मौसम में घड़ने का काम किया। 2024 में दिल्ली जीतेंगे। ये दिल्ली ना कभी किसी ने जीती है ना कभी जीती जाएगी। दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत के 140 करोड़ लोगों की आत्मा दिल्ली में बसती है, उसको जीतने का काम बहुत बड़ा है, हुड्डा तो बहुत छोटे हैं।
हरियाणा में क्या लगता है आपको, इस यात्रा कुछ असर रहेगा? हर काम का कोई ना कोई असर रहता है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत असर कांग्रेस में जरूर आया है। उन्होंने जुड़ने के प्रयास किया है लेकिन वो जुड़ नहीं रहे। अच्छा, वो जुड़ नहीं रहे। चलिए, ये तो थे हमारे साथ मोहनलाल बडोली जी, विधायक, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा एक वो बहुत बड़ा तमाशा बन गई है सर्दी के अंदर। और आज गोहाना के अंदर एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 1000 का टारगेट रखा गया है। और इन्होंने ये बात कही है कि RSS वो चीज है जो चमत्कार हमेशा करके दिखाता है और आज गोहाना में चमत्कार होगा। कड़ाके की ठंड में 1000 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। केरल मीडिया के लिए गोहाना से मेरे सहयोगी रूपेश के साथ अरुण कुमार।